है वो है वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान। तो इसके मेरे टोटल जो है वो मैं आप लोगों के साथ दो लेक्चर जो है शेयर करूंगी। उसमें स्टार्ट में हम पहले देखेंगे जो वाइल्ड लाइफ है पाकिस्तान की उसके हवाले से, और इसकी इंडेंजर्ड स्पीशी जो एक्सटिंक्ट स्पीशी है पाकिस्तान की, थ्रेटन्ड स्पीशी है उनके हवाले से। वाइल्ड लाइफ जो है पहले पहले वो वाइल्ड लाइफ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर ये सारी स्पीशीज़ को देखेंगे टोटल जो है वो स्पीशी जो है वो पाकिस्तान में कितनी है उसको डिस्कस करेंगे, और वाइल्ड लाइफ में जो डिप्लीशन आ रही है और उसके जो है थ्रेट्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, और हमें जो है उस पर किस तरह उसको मैनेज करना चाहिए वो करेंगे वो इस लेक्चर में। और अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क्स हैं उनको करूंगी, और वाइल्ड लाइफ ऑफ द वर्ल्ड उसके हवाले से थोड़ा सा होगा, और जो जू जियोग्राफिकल रीजन है क्योंकि वाइल्ड लाइफ और जू जियोग्राफी में एक इंट्रैक्शन है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इनको इकट्ठे ही लेके चलूँ। तो जू जियोग्राफिक रीजन जिसे रेलम बोलते हैं, तो वो जो सेवन रेलम्स या जू जियोग्राफिकली रीजन है वो आप लोगों के साथ जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ इट जनरली रेफर टू लार्ज फोरेशियस एनिमल लिविंग इन द जंगल एंड फॉरेस्ट सच एज टाइगर, लाइन, एलिफेंट, वोल्व्स, वाइल्ड बर्ड्स, डियर्स, इटीसी। तो ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो वाइल्ड एनिमल हैं उनकी स्टडी, लेकिन IUCN के मुताबिक जो प्रॉपर डेफिनेशन है वाइल्ड लाइफ की वो क्या है? इम्प्लाइज टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट विच इंक्लूड ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो एवरीथिंग फाना फ्लोरा, और फाना में माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक जो है वो जो हम कहते हैं वाइल्ड हैं उनको हमने डिटेल से स्टडी करना है। तो एक्सेप्ट कल्टीवेटेड प्लांट एंड डोमेस्टिक एनिमल, कल्टीवेटेड प्लांट्स और डोमेस्टिक एनिमल को छोड़ के बाकी जितने भी जो है लाइफ है तो वो सारी किस में आएगी? वाइल्ड लाइफ में आएगी। और इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी फिर से बन जाने वाला जो है वो रिसोर्स है। तो प्रॉपर डेफिनेशन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे वाइल्ड वाइल्ड लाइफ की, या हम इस तरह से कहेंगे या हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे फ्री रेंजिंग नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्जी, फंजाई, प्रोटोजोन एंड ऑल ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, एंड ऑर्गेनिक रिसोर्सेज आल्सो इन द टर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये प्रॉपर है, या हम सिंपली अगर हम कहें तो हम कहेंगे अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल लिविंग इन द वाइल्ड। अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल जो वाइल्ड में रहते हैं इंक्लूडिंग दोज हंटेड फॉर फूड, स्पोर्ट और प्रॉफिट। तो हमने मतलब ये सारा हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर तमाम जितनी भी लाइफ है बस कल्टीवेटेड प्लांट और डोमेस्टिकेटेड एनिमल को छोड़ के बाकी जितनी भी है वो किस में आएगी? वाइल्ड लाइफ में आएगी। वाइल्ड लाइफ इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो वैसे माशाल्लाह जो है रिसोर्सेज से जो है वो भरपूर है, वाइल्ड लाइफ हमारी जो है वो रिच है। स्पेशली हम ये अगर कहें कि जो माउंटेनियस एरिया है जैसे हिमालयन है, कैराकरम है और हिंदू कश की जो रेंज है वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? रिच फाना फ्लोरा जो है वो वहाँ पे मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान की रिच है बाकी पार्ट की निस्बत, और उसके रीज़न क्या है? दीज एरिया प्रोवाइड एन एक्सीलेंट हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। इसमें तो हैबिटेट जो है वो बहुत जो है वो आइडियल है, पोल्यूशन से पाक है और बेस्ट है वाइल्ड लाइफ के लिए। सेकंड क्या है? दीज हैबिटेट सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल, और वो हैबिटेट चूँकि वेराइटीज़ के हैं तो लिहाजा वहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल होंगे वो भी हमें वेराइटीज़ में मिलेंगे। और दीज एरिया आर डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन बींग टू असेस, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि माउंटेनियस एरिया में जो ह्यूमन बींग की एक्टिविटी है वो थोड़ी कम है, ह्यूमन बींग की जो इंटरफेरेंस है वो हम कह सकते हैं वो कम है। वहाँ पर ही वाइल्ड लाइफ में प्रॉब्लम बनता है जहाँ पे ह्यूमन बींग अपना नेगेटिव रोल जो है वो या इम्पैक्ट प्ले करते हैं, तो उन जैसे वो हंटिंग करते हैं, पोल्यूशन होगी,
तो जो है वो ये, या हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट होगी, डिफॉरेस्टेशन जैसे हम कह सकते हैं, तो ये इनसे जो है वाइल्ड लाइफ में डिप्लेशन होती है। तो ये जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग की एसेस है वो थोड़ी सी कम है, तो इसलिए ये जो हमारा माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान की रिच है एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं कि ये जो तीन जो है ये माउंटेनियस जो है बड़े बड़े एरिया है, इनके जंक्शन भी आपस में हिंदू कश है, कैराकरम है, हिमालिया है। तो यहाँ पर ये जो गिलगत के पास या जो है या यहाँ से इंडस रिवर हम कहते हैं स्टार्ट है, तो ये जो एरियाज है यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, वाइल्ड लाइफ जो है वो रिच मिलेगी। अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्पीशी की बात करें यानी एनिमल्स की और प्लांट्स की पाकिस्तान के अंदर, तो हमें जो है मैमल जो है वो मोर देन 174 मिलेंगे, कुछ बुक में जो है 188 स्पीशी भी मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि मोर देन 174 स्पीशी ऑफ मैमल्स, और बर्ड्स की कितनी है 668 स्पीशी टोटल स्पीशी जो है। रेप्टाइल की 177 स्पीशी है, एम्फीबियन की 21 स्पीशी है, फिशेज जो है फ्रेश वाटर की वो 198 स्पीशी हैं, मरीन वाटर की जो फिशेज हैं वो मोर देन 1000 है, इंसेक्ट जो है उसकी स्पीशी मोर देन 500 इन पाकिस्तान, फ्लावरिंग प्लांट 5700 यानी 5700 टोटल स्पीशी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन पाकिस्तान, फंजाई मोर देन 4500 इन पाकिस्तान, और एलजी जो है 775 स्पीशी ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक चार्ट है जिसमें मुख्तलिफ जो है वो स्पीशी का है कि पाकिस्तान में बर्ड्स कितने हैं, उनकी स्पीशी कितनी है, रेप्टाइल की कितनी है, एम्फीबियन की कितनी है, तो वो ये डिटेल के साथ है कि मोर देन 174 स्पीशी ऑफ मैमल्स, 668 स्पीशी ऑफ बर्ड्स, 177 स्पीशी ऑफ रेप्टाइल, 21 स्पीशी ऑफ एम्फीबियन। तो इसी तरह बाकियों की जो है वो डिटेल के साथ यहाँ पे इस चार्ट में दी हुई है कि पाकिस्तान में कितनी है। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा जो है नेशनल एनिमल्स एंड प्लांट की बात करें, अगर के पाकिस्तान के नेशनल एनिमल्स कौन से हैं, प्लांट कौन से हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैमल्स में हमारे पास मारफोर है जिसे कैप्रा फाल्कोनेरी भी बोलते हैं। तो मारफोर जो है वो गोट की फैमिली से है, लार्जेस्ट गोट फैमिली से है ये, और ये पाकिस्तान का जो है वो नेशनल जो है वो मैमल है। और अगर हम बर्ड की बात करें तो वो चकोर है जिसे एलेक्टोरस चकर बोलते हैं। तो ये बर्ड जो है ये भी ये नेशनल बर्ड है। फ्लावर की बात करें तो वो कॉमन जैस्मीन है। नेशनल फ्रूट जो है वो मैंगो है, और नेशनल ट्री जो है वो देवदार है। तो ये जो है नेशनल एनिमल्स और प्लांट्स जो थे पाकिस्तान के। हाँ जी, जैसे जैस्मीन का है, ये चंबेली भी बोलते हैं इसे, तो ये नेशनल जो है फ्लावर है। देवदार जो है ट्री जो है ये पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया ये नेशनल है। इसी तरह चकोर जो है ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, और मारफोर जो है जो इंडेंजर्ड स्पीशी के तौर पर भी है, ना सिर्फ ये इंडेमिक है, ये नेशनल है पाकिस्तान में। आपको जस्ट अफगानिस्तान में मिलेगी, ईरान में मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ह्यूमन की इंटरफेरेंस से या हम इनकी हंटिंग की वजह से तो जो है ये बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हो गई, और इसके लिए फिर नेशनल पार्क बनाए गए। तो मारकोर के लिए तो ये चंद जो थे नेशनल एनिमल और प्लांट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मारकोर के हवाले से अगर हम बात करें तो द मारकोर मेनली इनहेबिट द स्पर्सली वुडेड माउंटेनियस रीजन इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। तो ये माउंटेनियस माउंटेन जो है या नॉर्दर्न एरियाज में ये मारकोर पाई जाती है। देयर आर ओवर 500 मारफोर इन चित्राल गोल नेशनल पार्क। और जब ये इंडेंजर्ड हो रही थी तो फिर स्पेशली गवर्नमेंट के अंडर जो है ये एक नेशनल पार्क बनाया गया, चित्राल गोल नेशनल पार्क, और उसमें जो है इनकी स्पीशी को रखा गया। और अब इसकी 500 से ज़्यादा जो है स्पीशी हैं। कारगा नल्ला एंड नाल्टर माइट हैव अ टोटल पॉपुलेशन और 50 मारफोर, और ये बाकी जो है ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पर इसकी 50 स्पीशी, जो 50 टोटल मेंबर है। करंट पॉपुलेशन एस्टिमेट आर लेस देन 2500 to 3000 फॉर मारकोर इन पाकिस्तान। ये 500 जो है ये चित्राल गोल नेशनल पार्क में है।
और टोटल अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है अब इनके जो मेंबर रह गए हैं पाकिस्तान में वो 3,000 है। अभी भी ये जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशी के तौर पर है, अभी भी इसकी जो तादाद है वो यानी थ्रेटन्ड है अभी भी, ये अभी इसकी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई, मोर देन 10,000 होगी तो हम कहेंगे कि ये अब इंडेंजर्ड नहीं रही, तो अभी भी ये इंडेंजर्ड स्पीशी के तौर पर है। लेंथ ऑफ 4.4 से 6.2 फीट, वेट अबाउट 32 से 110 kg, इट फीड ऑन ग्रासेस एंड लीव, तो ये लार्जेस्ट गोट फैमिली से है और जैसे मैंने बताया कि एंडेमिक स्पीशी है तो साथ साथ ये नेशनल जो है वो मैमल भी है, तो इसके लिए यानी जैसे पार्क वगैरह बने हैं तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि चित्राल गोल नेशनल पार्क जो है वो सबसे पहले किस मकसद के लिए बना था। अब हम बात करते हैं इंडेंजर्ड की, थ्रेटन्ड और एक्सटिंक्ट स्पीशी के, इंडेंजर्ड स्पीशी में या थ्रेटन्ड स्पीशी में इनमें क्या फ़र्क है। इंडेंजर्ड स्पीशी कौन सी होती हैं? अ स्पीशी ऑफ प्लांट और एनिमल दैट इज इन इमीडिएट डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड नीड प्रोटेक्शन टू सर्वाइव, जिसे एक्सटिंक्ट होने का या उस जगह से नापैद होने का, ख़त्म होने का खतरा होता है। उनकी तादाद जो है हम कहते हैं कि बहुत कम रह जाती है, तो उनको हम क्या मानते हैं, उनको इंडेंजर्ड स्पीशी कहते हैं कि जिन्हें एक्सटिंक्शन का थ्रेट हो। कोई भी स्पीशी जो जिनकी जिनकी तादाद बहुत कम है, अमाउंट बहुत कम है और उन्हें एक्सटिंक्शन का जो है वो थ्रेट हो कि वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, उनको हम क्या कहेंगे, इंडेंजर्ड। और जिन्हें इंडेंजर्ड होने का थ्रेट हो कि कहीं वो इंडेंजर्ड ना हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम थ्रेटन्ड कहते हैं। यानी थ्रेटन्ड स्पीशी वो होती हैं जो अभी इंडेंजर्ड नहीं हुई लेकिन उन्हें इंडेंजर्ड होने का जो है वो हम कह सकते हैं कि वो अभी प्रोटेक्टेड नहीं है और वो इंडेंजर्ड की तरफ जा रही हैं, जो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही हैं उन्हें इंडेंजर्ड स्पीशी कहते हैं, जो इंडेंजर्ड की तरफ जा रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, थ्रेटन्ड स्पीशी। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी थ्रेटन्ड स्पीशी भी हैं, आगे वो मैं आपको उनके साथ डिस्कस करूंगी। तो इंडेंजर्ड स्पीशी वर्ल्ड की भी हैं, इंडेंजर्ड स्पीशी पाकिस्तान की भी बहुत सारी हैं और वो नेग्लिजेंस की वजह से है, गवर्नमेंट की लाज ना होने की वजह से और जो आम जो हमारी पब्लिक है उसके यानी कि अवेयरनेस ना होने की वजह से। आगे सारी डिटेल से हम ये स्टडी करेंगे कि क्यों जो इंडेंजर्ड स्पीशी हैं वो इतनी ज़्यादा बन रही हैं। तो ये तो डिफरेंस था बिटवीन इंडेंजर्ड एंड थ्रेटन्ड स्पीशी। तो एक्सटिंक्ट क्या है कि वो उस जगह से, अगर उस मखसूस जगह से एक्सटिंक्ट हुई है तो हम कहेंगे कि उस जगह की ये नापेद हो चुकी हैं। जैसे एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्ट स्पीशी पाकिस्तान में हम कहते हैं कि एशियाटिक चीता था पहले, वाइल्ड जो है इंडियन वाइल्ड एस जो था वो था, एस राइनो था, राइनोसीरस, एलिफेंट किसी ज़माने में थे लेकिन ये अब पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो पूरी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जैसे एलिफेंट बर्ड हैं वो हम कहते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, या पूरी दुनिया से जो इंडेंजर्ड हो रही हैं उसको उसमें एक नाम आता है कैलिफोर्निया कॉन्डर। कॉन्डर जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी वल्चर है, बहुत बड़ी वल्चर जिसे हम कहते हैं। तो ये कैलिफोर्निया में एक टाइम था कि जब इसके सिर्फ 10 to 15 मेंबर रह गए थे लेकिन कैलिफोर्नियन की गवर्नमेंट ने मतलब इतने लाज दिए और इतने नेशनल पार्क सेंचुरीज इसके लिए बनाई गई, इसकी कैप्टिव ब्रीडिंग की गई और फिर वो कैलिफोर्नियन कॉन्डर जो है उसकी जो है अमाउंट 500 तक हो गई, लेकिन अभी भी वो इंडेंजर्ड स्पीशी के तौर पर है बाकी पूरी दुनिया में। तो वो सिर्फ कैलिफोर्निया में पाई जाती है और वो सबसे बड़ी वल्चर है। तो इस तरह हम बात कर सकते हैं कि कौन सी एक्सटिंक्ट स्पीशी है, कौन सी इंडेंजर्ड है, कौन सी थ्रेटन है। तो थ्रेटन वो है जिसे इंडेंजर्ड होने का खतरा हो, इंडेंजर्ड वो है जिसे एक्सटिंक्ट होने का खतरा हो, और एक्सटिंक्ट स्पीशी वो है कि जो पूरी दुनिया से जो है वो ख़त्म हो गई हो या उस जगह से ख़त्म हो गई होंगी। जैसे डोडो बर्ड नॉट फाउंड इन द वर्ल्ड, नाउ डोडो बर्ड इज़ अ वी कैन से एक्सटिंक्ट स्पीशी। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया एलिफेंट बर्ड जो है वो एक्सटिंक्ट स्पीशी के तौर पर है कि वो अब नहीं पाए जाते। थ्रेटन्ड स्पीशी ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है एशियन पेंगोलन जो है वो थ्रेटन्ड है, यानी वो इंडेंजर्ड की तरफ जा रहा है। इसी तरह ब्लैक फिनलेस पॉडपॉइस जो है ये हम कह सकते हैं ये मैमल है, तो ये भी जो है वो इंडेंजर्ड की तरफ जा रहा है, यानी थ्रेटन्ड स्पीशी है। और अक्सर जो है ये हंटिंग इसकी हो रही है, जो जब फिशिंग की जाती है तो नेट में ये आ जाती है, तो ये जो कोस्टल एरिया है पाकिस्तान के तो वहाँ से ब्लैक फिनलेस पॉडपॉइस कम हो रही है और उसे जो है इंडेंजर्ड होने का खतरा हो रहा है।
इसी तरह हम कश्मीर वाली साइड पे अगर हम कहें कि बोरिंग वोल जो है ये खास किस्म का माउस है, तो इसका भी जो है दिस फिशिंग इज कॉमन टू द कश्मीर एंड केपीके रीजन. डेप्लीशन ऑफ हैबिटेट ड्यू टू द लाइव स्टॉक ग्रेजिंग एंड ह्यूमन एक्टिविटी आर द मेजर थ्रेट टू दिस फिशिंग. यानी इसमें हम डिप्लेशन क्या बात करेंगे, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, किसका हैबिटेट जो है वो कम पड़ रहा है ग्रेजिंग की वजह से, या ह्यूमन की जो है वो डेवलपमेंट जो वहाँ पे की है तो उसके हैबिटेट में कमी होने की वजह से ये स्पीशीज जो है ये इंडेंजर्ड हो रही है. अभी ये थ्रेटन्ड है लेकिन ये इंडेंजर्ड की तरफ जा रही है. इसी तरह मार्बल्ड मोल कैट जो है वो थ्रेटन्ड स्पीशी के तौर पर है. दिस स्पीशी इज मोस्टली फाउंड इन द डेजर्ट एरिया एंड फेसिंग मेजर थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. तो इसका भी हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है. तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारी स्पीशी जो है वो थ्रेटन्ड और इंडेंजर्ड हो रही है और एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है. अब हम अगर बात करें इंडेंजर्ड स्पीशी की पाकिस्तान की, तो वो एक पूरी लिस्ट है. उसमें सबसे ज़्यादा जो इंडेंजर्ड हो रहे हैं वो मैमल्स हो रहे हैं. तो एक वर्ड है हम इंडेंजर्ड बोलते हैं, एक हम कहते हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड. तो इंडेंजर्ड में तो चलो हम कहते हैं कि फिर भी चलो 100, 200, 500 तक मेम्बर हैं. क्रिटिकल इंडेंजर्ड वो हैं जिनकी तादाद बहुत ही कम रह गई है और वो उनको बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि उनको थ्रेट है किसका, एक्सटिंक्शन का. तो सीवियर इंडेंजर्ड जो स्पीशी होती है उसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है स्पीशी मानते हैं. तो यहाँ पर क्रिटिकल इंडेंजर्ड मैमल हमारे पास कौन कौन से हैं, मारकोर है, वाइल्ड गोल्ट है, माउंटेन हिमालयन मस्क डेयर है, माउंटेन शीप है. चूँकि हमने पहले ही बात की थी कि वाइल्ड लाइफ जो है हिमालयन रीजन में या माउंटेनियस रीजन में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर जो है इंडेंजर्ड्स भी या एक्सटिंक्शन भी या थ्रेटन्ड भी उन्हीं स्पीशी का ज़्यादा हो रहा है. माउंटेन वेसल्स जो है ये भी, आगे मैं इसकी डायग्राम इसकी दिखाती हूँ. एशियन ब्लैक बेयर जो है इसे भी, ये भी इंडेंजर्ड है. ब्राउन बेयर है, हिमालयन गोरल, काराकाल. काराकाल जो है ये हमारे पाकिस्तान की इंडेमिक स्पीशी के तौर पर भी है. बहुत बड़े बड़े कानों वाली जो ये कैट है, तो काराकाल, और ये भी ख़त्म हो रही है. सैंड कैट इसी तरह ये है. मार्बल पोल कैट मैंने आपको पहले ही बताया था, वो थ्रेटन्ड में भी आ रही है तो वो इंडेंजर्ड की तरफ भी आ रही है. लेकिन ये है कि पहले वो सिर्फ थ्रेटन्ड थी, लेकिन अगर हम रिसेंटली बात करें तो चूँकि नेग्लिजेंस थी या अवेयरनेस नहीं थी तो अब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल के तौर पर है. फिशिंग कैट, वुली फ्लाइंग स्क्वायरल जो है ये भी, इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन है, चाइनीज वाइट डॉल्फिन है, ब्लैक फिनलेस पॉरपॉइज, वो भी पहले हम कहते थे थ्रेटन्ड है लेकिन रिसेंटली डेटा के मुताबिक वो क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी के तौर पर है. बरिंग वोल जो है, कश्मीर वोल, बलूचिस्तान फॉरेस्ट डोर माउस, यूरोपियन ऑटर, इंडियन पेंगोलन, हिमालयन मार्मट. तो ये सारे जो है ये हमारे पास क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैमल हैं. बर्ड्स की बात करें तो लॉन्ग बिल्ड वल्चर, आज से 10-12 साल पहले जब भी कोई जानवर मरता था तो बहुत सारे वल्चर आ जाते थे, उसको खाने के लिए गिद्ध आ जाती थी, लेकिन अब ऐसे नहीं है. और उसकी बड़ी वजह ये है कि कुछ पॉइजन्स थे इन मुर्दा जानवरों में, या वो पॉइजन जो है जब इन्होंने वल्चर्स ने उन मुर्दा जानवरों को खाए तो उनके अंदर भी चले गए. इसी तरह केमिकल्स थे, स्प्रे वगैरह वो इस्तेमाल किए गए, वो इनके एग्स को, शेल को थिन कर देते थे जिसकी वजह से आगे इनके बच्चे नहीं होते थे. तो एक सडन जो है इनका ये सारा कुछ हुआ है. उसके अलावा डिस्ट्रक्शन बहुत हुई इनके हैबिटेट की. तो आज हमें ये वल्चर जो है ना होने के बराबर मिलते हैं, लॉन्ग बिल्ड वल्चर. इसी तरह क्रेन है, मार्बल टील है, वाइट हेडेड डक है, होबारा बस्टर्ड. जो होबारा बस्टर्ड जो है ये जो है इसकी बहुत ज़्यादा हंटिंग हुई है. और उसके अलावा जो है वो फीजेंट वगैरह है, जिसे तीतर कहते हैं, बटेर, फीजेंट बटेर है, तीतर है. तो ये अब ना होने के बराबर हैं, बहुत कम रह गए हैं. रेप्टाइल में हमारे पास केवियल, मगर, ग्रीन टर्टल, नैरो हेडेड सॉफ्ट शेल्ड टर्टल. तो ये जो है हमारे जो है वो ज़्यादातर क्या थे, ये पूरी लिस्ट थी इंडेंजर्ड स्पीशी की पाकिस्तान की. हाँ जी, ये जैसे माउंटेन वेसल है आप देख सकते हो, बलूचिस्तान फॉरेस्ट डोर माउस, ये ब्लैक फिनलेस पॉरपाइज है, यूरोपियन ऑटर है, ये सारे जो है इंडेंजर्ड स्पीशी में है पाकिस्तान के. जैसे ये वोल है, इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन जो है ये है, मार्को पोलो शीप है, साइबेरियन क्रेन है, ये सब जो है हम क्या कहेंगे कि ये कौन से हैं, ये इंडेंजर्ड स्पीशी है. मार्को पोलो शीप ऑलरेडी मैंने
बता दिया इंडस रिवर डॉल्फिन का, ब्राउन बियर फार्म, दियोसाई प्लेन ऑफ बल्तिस्तान, तो दियोसाई में जहाँ पे ग्रीन लैंड इकोसिस्टम है, और वहाँ पर पाकिस्तान में अगर हमें ग्रीन लैंड इकोसिस्टम मिलेंगे तो वो दियोसाई के रीजन में होंगे, यानी कि गिलगत के पास ही है दियोसाई, तो वहाँ पर जो है हमें ब्राउन बियर भी मिलते हैं. मस्क डियर क्या है, दीज एनिमल कैन स्टिल बी फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ हिमालयज. मस्क डियर जो है वैसे हमें वाइल्ड फार्म में नहीं मिल रही, वो प्रोटेक्टेड एरियाज में जो है, वो नेशनल पार्क वगैरह में जो है वो मिल रही है. स्नो लेपर्ड भी जो है, एक टाइम था जब कहते थे कि स्नो लेपर्ड पाकिस्तान से ख़त्म हो गया है, लेकिन रिसेंटली ये कश्मीर वाली साइड से, हिमालयन वाली साइड से जो है इन रीजन में ये स्नो लेपर्ड नज़र आए हैं, तो इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के तौर पर माना जा रहा है. अगर हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज की बात करें, तो फोर जो और उसके मैमल्स हैं पाकिस्तान में, वो 400 ईयर के अंदर अंदर ही पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो गए. तो इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसीरोस, यानी राइनो जो है, गेंडा जो है वो एक ज़माने में पाकिस्तान में था लेकिन अब नहीं है. स्वैम डियर जो है वो ख़त्म हो गई है, वो नहीं है पाकिस्तान में. अच्छा, और अब जो रिसेंटली हम कह सकते हैं कि रिसेंटली डिकेड में इंडियन वाइल्ड एस जो है ये ख़त्म हो गया है. ब्लैक बक जो है, ब्लैक बक जो है वो अब हमें सिर्फ इसमें जो उसमें मिलती है, नेशनल पार्क्स में मिलती है. कुछ ब्लैक बक जो है वहाँ भी रखी हुई है, लाल सुहारा नेशनल पार्क में. अच्छा, हंगोल जो है ये ख़त्म हो गई है, वैसे आपको पार्क्स में मिलेगी. एशियाटिक चीता जो है वो पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो नहीं पाया जाता, तो वो भी आपको अगर मिलेगा तो सिर्फ ज़ू में या नेशनल पार्क्स में मिलेगा. थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे थ्रेट हैं जिसको हम डिटेल से डिस्कस करने लगे तो हमारा जो है लेक्चर जो है इन्हीं पे हो जाए. तो बहरहाल इसके मैं चंद एक थ्रेट्स जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से थ्रेट हैं. वाइल्ड लाइफ में क्यों डिप्लीशन आ रही है, क्यों इसके जो है वो अगर हम डिटेल से इसकी बात करें तो. हाँ जी, मोर स्पेसिफिक थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ आर पोज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन. तो इसमें हमारे पास डिफॉरेस्टेशन आ रहा है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी जिसे आप मानते हो, और वो 1% एनुअली हो रहा है. डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग है, सॉयल इरोजन है, हंटिंग है, फिशिंग है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, तो इनके इन सब के नतीजे में हम कह सकते हैं कि 12% एवरी ईयर जो है फ्लोरा जो है और फाना जो है वो थ्रेटन्ड हो रहा है और इंडेंजर्ड स्पीशी के तौर पर जो है वो जा रहा है. 12% डिस्ट्रक्शन जो है वो, ये कमी डिप्लीशन हो रही है वाइल्ड लाइफ में. इसके अलावा अगर हम बात करें फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की हमने कर ली या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की कर ली, तो वो किस वजह से है, वो ज़्यादातर हो रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से. पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अर्बनाइजेशन की तरफ जो है वो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग बनेंगी, स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, ये सारे, और वो नेचुरल जो हैबिटेट है उस जगह पे बनेंगे, जिसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट इनका डिस्ट्रक्टेड होगा, फ्रेगमेंटेशन होगी, डिस्ट्रक्शन होगी. तो इसके अलावा अगर ह्यूमन की ग्रोथ बढ़ रही है तो ज़ाहिर है इरीगेटेड एग्रीकल्चर यह है वो भी बढ़ेगा, कि हम जितने भी नेचुरल इन्वायरमेंट थे या मतलब इकोसिस्टम थे वो एग्रीकल्चर में चेंज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके जो है वो उनका जो मस्कन है वाइल्ड ऑर्गेनिज्म का वो उनसे छीना जा रहा है. तो रिजल्ट क्या होगा, थ्रेटन्ड स्पीशी भी होंगी और इंडेंजर्ड स्पीशी भी होंगी, एक्सटिंक्शन की तरफ जाएंगी. डिफॉरेस्टेशन मैंने ऑलरेडी आपसे बता दिया, लॉस ऑफ हैबिटेट. अच्छा, डिफॉरेस्टेशन में ज़्यादातर जैसे आज 10 साल के अंदर अंदर चलगोजे के हम जो कहते हैं कॉनिफर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी डिफॉरेस्टेशन हुई है, तो वहाँ पर हेल्दी जो है वह वाइल्ड लाइफ थी तो वो उसमें कमी आ रही है. तो द क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP ऑफ पाकिस्तान इज रिपोर्टेड टू बी श्रिंकिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 1% पर ईयर, कि हर साल 1% जो है वो एरिया इनका, ये जो कैनोपी फॉरेस्ट हैं या कोनीफर्स हैं, तो इनका 1% एरिया हर साल जो है वो डिफॉरेस्टेशन की तरफ जा रहा है, यानी वो ख़त्म हो रहा है. मोर सिग्निफिकेंट इज़ द रिलेंटलेस इंक्रीमेंटल इंक्रजन्स इनटू द फॉरेस्ट बाय सब्सिस्टेंस फार्मर्स
तो ये यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये इसमें बहुत सारे यानी फार्मर्स जो भी ये काम कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए या वहाँ पर अपना जो है वो एग्रीकल्चर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा हैबिटेट क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और हैबिटेट अगर इनका ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली ये स्पीशीज जो है इंडेंजर्ड की तरफ जाएगी। उसके बाद हंटिंग जो है वो एक बिग रीज़न है वाइल्ड लाइफ की डेप्लिशन का। हम जैसे बात कर रहे थे, मैंने फीजेंट की बात की थी, तो हर साल जो है वो मुख्तलिफ जो है उसमें इवन हमारी अपनी गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं हंटिंग के लिए। तो हंटिंग के प्रोसेस से जो है बहुत सारे जो हमारे बर्ड्स हैं इवन माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो उनका लॉस हो रहा है। और जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि ये फीजेंट वगैरह जो है इनका बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है। इसके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे अगर हम पूरी वर्ल्ड की बात करें तो एलिफेंट के टस्क को लेने के लिए, आइवरी बनाने के लिए, उसके टस्क को यूज़ करने के लिए, इसकी स्किन को यूज़ करने के लिए, तो इनका जो बेदरेग हम क्या कह रहे हैं इसकी हंटिंग हो रही है। इसके अलावा हम वेरियस लिजर्ड एंड स्नेक आर हंटेड फॉर देयर स्किन एज क्रोकोडाइल भी, क्रोकोडाइल को भी बहुत ज़्यादा उसकी हंटिंग हो रही है उसकी स्किन को बेचने के लिए, क्योंकि वो बहुत महंगी बिकती है। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइल्ड बोअर्स, जैकल्स एंड पॉर्कोपाइन फॉर एग्जाम्पल इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एलिमिनेशन ऑफ द प्रीडेटर, पर्टिकुलरली द लार्ज कैट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी है, हम जो है बेदरेक स्नेक वगैरह को भी, इनको भी, क्योंकि उनसे बचने के लिए कि कहीं ये हमें बाइट ना कर दें, उस लिहाज से भी इनकी जो है इनको मारा जा रहा है। तो जिसकी वजह से जो फूड चेन है उस पर असर पड़ रहा है, फूड वेब पे असर पड़ रहा है, इकोसिस्टम मैनेज नहीं हो रहा। तो रिजल्ट क्या होगा कि कहीं पे प्रीडेटर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं पे प्रे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कहीं पे प्रे कम हो जाएंगे, तो रिजल्ट एक अनबैलेंस होगा और फिर डेफिनेटली जो है वो वाइल्ड लाइफ की डिप्लीशन होगी। तो हंटिंग को भी हम एक बिग जो है वो मानते हैं कि एक उस कैटेगरी में आए जो क्या कर सकता है, स्पीशी को एंडेंजर्ड कर सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे काजीज हैं, इनडायरेक्ट भी हैं, डायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट में हमारे पास पावर्टी है, वीक पॉलिसीज हैं, लाज है, ज़ाहिर है जहाँ पे लाज नहीं है ना उनकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं अवेयरनेस नहीं है लोगों में, लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारों से पूछे उन्हें पता ही नहीं है कि मारखोर जो है वो हमारा नेशनल मैमल है। अगर हम इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन की बात करें तो हैरानी होगी कि इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये डॉल्फिन सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी। तो ये पाकिस्तान का एक इंडेमिक जो है, इवन जो फॉरेन कंट्रीज के हैं वो बता रहे होते हैं, चाइना में चले जाएं तो वो बता रहे होते हैं आपके कंट्री में इंडस जो है ब्लाइंड डॉल्फिन जो है वो उसकी क्या वैल्यू है, और आप उस पर कोई मतलब वो नहीं कर रहे, वो हमें इनका नंबर बता रहे होते हैं, इनकी जगह के बारे में बता रहे होते हैं। तो हमारे पास जो है अवेयरनेस की कमी है, लोगों को अवेयरनेस नहीं दी जा रही, उन्हें नहीं बताया जा रहा कि ये इनको इनको डिप्लीट करेंगे तो रिजल्ट जो है उसका कितना, यानी वो हम पे ही इनडायरेक्टली हमारा ही लॉस होगा। एक क्या कहते हैं वक्ती फायदे फायदे के लिए हम अपने आप को दायमी नुकसान में मुब्तला कर देते हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये स्पीशीज जो है ये अगर इकोसिस्टम को बैलेंस नहीं करेंगी तो रिजल्ट जो है हमारे लिए भी ठीक नहीं होगा। इसके अलावा डायरेक्ट बहुत सारे जो है वो रीजंस हैं, नेचुरल हैजर्ड्स हैं, फ्लड वगैरह आ जाते हैं उसकी वजह से भी बहुत सारी स्पीशी जो है वो हम कह सकते हैं कि वो कम हो रही है। लैक ऑफ प्रे स्पीशी, मिस यूज़ या मिस मैनेजमेंट है, और एक और है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्पीशी, कि जब हम एग्जॉटिक एग्जॉटिक स्पीशी वो होती हैं जो पाकिस्तान की या उस जगह की लोकल नहीं है, बाहर से मंगवाई जाती हैं, जब वो एग्जॉटिक स्पीशी आती हैं तो उस वो दो जो है बड़े बड़े रीजंस एक करेंगी इसके क्या नाम है डिप्लीशन के वाइल्ड लाइफ के। एक तो एग्जॉटिक स्पीशी जो है कंपटीशन करेंगी डायरेक्ट हमारे वाइल्ड एनिमल से, हमारे एंडेमिक ऑर्गेनिज्म से, और दूसरा ये है कि अगर वो एग्जॉटिक स्पीशी मंगवाई गई है तो वो कोई उनमें पैरासाइट थे या कोई उन्हें डिजीज थी, तो वो पैरासाइट जो है वो हमारे अपने स्पीशी को पे आएंगे और वो डिजीज आएंगे, रिजल्ट वो डिजीज की वजह से डेथ होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि ट्राउट है या चाइनीज कार्प है या ग्रास कार्प है, तो ये जो है एग्जॉटिक स्पीशी हैं जो चाइना चाइना से, साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से, वहाँ से मंगवाई गई, तो
जब ये हमारे यानी कि या फार्म्स में रखी गई तो इन पे बहुत सारे एक्टो पैरासाइट थे, वो पैरासाइट जो है उन्होंने हमारी अपनी जो लोकल फिशेस थी जैसे रहू थी, मोरी, थैला, तो उनको भी वो डिजीज़ दी और वहाँ पे सडन उनकी डेथ होती गई। तो इस तरह अगर एग्जॉटिक स्पीशी का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, एक कंपटीशन आ जाएगा फूड के लिए, रिसोर्स के लिए, हैबिटेट के लिए, और दूसरा जो है वो पैरासाइट को लाएंगी, डिजीज़ को लाएंगी। तो इसके अलावा इलीगल जो पॉचिंग है, इलीगल पॉचिंग का मतलब है कि इन एनिमल्स को जो है वो बेचना, इनका या इनको रखना, इनको घर में पालना या इनको बेच देना, तो वो भी जो है उस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि ये भी स्पीशीज को जो है वो डिप्लीट कर रहा है। किलिंग बाय हर्ड्समैन टू प्रोटेक्ट देयर लाइफ स्टॉक। इसके अलावा जो है हम डायरेक्ट सोर्सेज में अगर बात करें तो बहुत सारे हैं। तो ये वो रीज़न थे जिससे वाइल्ड लाइफ जो है वो डिप्लीट हो रही है, एंड वाई एनिमल बिकमिंग इंडेंजर्ड, ये ऑलरेडी मैंने बात की कि अगर हम इसके अलावा एक और चीज़ भी है ह्यूमन की, तो हमने जो है इंटरफेरेंस को नंबर वन पे रखा है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ही क्या होता है कि वो हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वहाँ पर बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, तो अब जो है जिसकी वजह से इनडायरेक्ट भी प्रॉब्लम बनेगा। जब इंडस्ट्रीज बनेगी तो एसिड रेन बहुत ज़्यादा होगी, एसिड रेन की वजह से भी हम कह सकते हैं कि वो भी डिस्ट्रक्शन करेगी क्या वाइल्ड लाइफ को। पोल्यूशन जो है वो भी ह्यूमन बीइंग की वजह से है, यहाँ पे डायरेक्ट रोल है ह्यूमन का, इनडायरेक्ट क्या है कि पोल्यूशन होगी, वाटर पोल्यूशन है, ऑयल स्पिल्स हैं, ऑयल स्पिल से हम कहते हैं हज़ारों हमारे जो है ऑर्गेनिज्म जो सी के हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि पोल्यूशन भी रीज़न है। हंटिंग एंड फिशिंग वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, और एग्जॉटिक स्पीशी की अगर हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो वो डायरेक्ट कंपटीशन भी करेंगे और डिजीज स्प्रेड भी करेंगे। तो ये वो सारे रीजंस थे जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है वो इंडेंजर्ड हो रही है, डिप्लीट हो रही है। तो स्टेप्स क्या हैं कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? पहली बात तो ये है कि कोई भी कंट्री तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक वहाँ पे लॉज नहीं होंगे, कवानीन नहीं होंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। अगर वो कवानीन है तो कवानीन बने ही जो है उसको क्या है हम मानने के लिए है, कवानीन होंगे तो हम जो है खुद उसको अप्लाई करेंगे यानी उस पे अमल करेंगे, रिजल्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ जो है, और वाइल्ड लाइफ क्या यानी हमारा पूरा जो निज़ाम है, इकोसिस्टम है, वो सेट हो जाएगा। लॉज शुड बी मेड टू फोर्स आर टोटल बैन ऑन किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी एनिमल और बर्ड बिलोंगिंग टू एन इंडेंजर्ड स्पीशी। पहले लॉज तो हो कि रिस्ट्रिक्शन हो मुकम्मल तौर पर, हंटिंग जो है उस पर बैन हो, इलीगल जो पॉचिंग है, किलिंग है, उस पर मुकम्मल तौर पे क्या होना चाहिए, बैन होना चाहिए, और उसके लिए लाज हो मुकम्मल तौर पे। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड शुड बी प्रिजर्व बाय एस्टैब्लिशिंग नेचुरल पार्क एंड सेंचुरीज थ्रू आउट द कंट्री। तो ये मेरा अगला जो है वो टॉपिक होगा जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि इन प्रोटेक्टेड एरियाज के प्रोटेक्टेड एरियाज क्या हैं, उस प्रोटेक्टेड एरिया की टाइप्स कितनी हैं, कि कम अज़ कम प्रोटेक्टेड एरियाज जो है ये बनने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बनने चाहिए, जहाँ पे जो इंडेंजर्ड स्पीशी हैं उनको रखा जाए, उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई जाए, उनकी अमाउंट में जो है वो इतने इंक्रीज कर दिया जाए कि वो कम अज़ कम थ्रेटन्ड भी ना रहे, तो वो इंडेंजर्ड भी ना रहे। तो टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ ट्रांसमिटेबल डिजीज़, इसके अलावा जब भी एग्जॉटिक ऑर्गेनिज्म मंगवाने हों तो कम अज़ कम उनको एक दफ़ा अच्छी तरह से वो उसके चेक हो कि उसमें कोई ट्रांसमिटेबल डिजीज़ यानी वो फैलाने वाले कोई पैरासाइट तो नहीं है, तो ये अच्छी तरह इनका ख्याल अगर हम रखें तो डिप्लीशन से बच सकते हैं। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड टू प्रिवेंट देयर एक्सटेंशन। उसके लिए स्पेशल अटेंशन, जैसे मैंने आपको कहा था कैप्टिव ब्रीडिंग, कैप्टिव ब्रीडिंग का ये प्रोसेस होता है कि इनमें जो ऑर्गेनिज्म स्लो ब्रीडर है, जैसे हम टर्टल की बात करते हैं कि टर्टल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, वो स्लो ब्रीडर है, उनका ब्रीडिंग का रेट बहुत स्लो है, तो अगर उनके और अगर बेचारे वो उसमें से एग में से बच्चे निकलते ही हैं तो या तो एग प्रीडेटर उठा के ले जाते हैं या बच्चों को बहुत सारे सी बर्ड खा जाते हैं, तो अगर उन एग्स को एक ख़ास किस्म के एरिया में लेके और ख़ास किस्म की कैप्टिव यानी खुद से जो है मैन मेड जो है वो एक हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर उन एग्स को जो है इनक्यूबेट करवा के उनमें से बच्चे निकाले जाएँ, उन बच्चों को बड़ा करके दोबारा रखा जाए,
तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल जगह तरीके से इनकी ब्रीडिंग करवा के उनको कैप्टिविटी में रखा जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कैप्टिव ब्रीडिंग। तो इस तरह भी जो है, ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया कि किस तरीके से स्पेशल अटेंशन दी जाए, इनकी कंजर्वेशन के लिए बैन होना चाहिए, वहाँ पर आम आदमी की रसाई ना हो, जो है वो खास परमिशन से जो है उन एरियाज में जाया जाए और वो साइंटिस्ट जाएं। जैसे नेशनल पार्क की हम बात करते हैं कि नेशनल पार्क में ऐसे नहीं कि जिसका दिल चाहा वो आराम से टूरिस्ट चले गए या बाकी, उसमें साइंटिस्ट अलाउड हैं और सीवियर रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे इन, और लॉज को जो है वहाँ पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल से कि पाकिस्तान में कितने नेशनल पार्क हैं और वो किस मकसद के लिए बने। यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल टू प्रोटेक्ट कंजर्व इंसांस और क्रिएट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो साइंटिफिक नॉलेज को जो है वो फ्लरिश करवाना चाहिए और अवेयरनेस देनी चाहिए कम से कम वाइल्ड लाइफ के। ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ के और लोगों का काम नहीं है, एज अ बायोलॉजिस्ट जो है हमारा है कि सेमिनार कंडक्ट करवाए जाए या मीडिया में जाके इनकी इम्पोर्टेंस बताई जाए कि ये कैसे कम हो रहे हैं, हमारा क्या रोल है इनको कम करने के लिए, हम किस तरह इनको इन्हांस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए टू मैनेज वाइल्ड लाइफ। और मस्ट फाइंड आउट द पॉपुलेशन स्टेटस, नंबर ऑफ एनिमल्स इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस इन द बर्थ रेट और डेथ रेट। अच्छा, साथ साथ इनकी काउंटिंग भी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हमारी तो ये बदकिस्मती है कि बहुत सारा ऐसा है ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका डाटा भी हमने इकट्ठा नहीं किया, वो अवेलेबल नहीं है कि कौन ये इंडेंजर्ड हो रहा है, कौन थ्रेटन्ड हो रहा है, इवन एक्सटिंक्ट भी हो जाए तो हमें जो है उसका पता नहीं चलेगा। तो ये अगर ये काम करना है तो इनका प्रॉपर जो है इन ऑर्गेनिज्म का बर्थ रेट और डेथ रेट काउंट करके इनकी अमाउंट के बारे में पता करवाया जा सकता है। और इस तरह पहले सबसे पहले तो डाटा प्रोवाइड करना चाहिए मुकम्मल तौर पे कि कौन से इंडेंजर्ड है, कौन से थ्रेटन्ड है, कौन से एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो ये वो सारे प्रोसेस थे जिसके ज़रिए हम कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ को जो है डेप्लिशन होने से रोक सकते हैं। लास्ट में हम इनके सारे MCQs जो इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, वाइल्ड लाइफ इज अ रिसोर्स, क्या ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल एट सम एक्सटेंट है या ऑल ऑफ दीज है। ये मैंने जस्ट एक आपको एग्जांपल दी थी, कोई भी इसकी जगह वाइल्ड लाइफ की जगह भी आ सकता है कि कौन सा रिसोर्स है। नेचुरल गैस के बारे में पूछ सकते हैं या फॉसिल फ्यूल के बारे में पूछ सकते हैं, कोई फाना के बारे में, फ्लोरा के बारे में, या सोलर सोलर यानी वाटर के हवाले से भी कि कौन से रीन्यूएबल हैं, कौन से नॉन रीन्यूएबल हैं। तो ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन आराम से निकल सकता है। तो वाइल्ड लाइफ जो है ये रीन्यूएबल रिसोर्स हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो फिर से बन जाएं। नेचुरल गैस या फॉसिल फ्यूल जो हैं वो लिमिटेड हैं तो वो नॉन रीन्यूएबल में आएंगे। सोलर जो सन है उसमें से सोलर जो है वो एनर्जी जो है वो निकलती है, फिर से वो सन प्रोवाइड कर देता है, तो वो हमारे रीन्यूएबल रिसोर्सेज में है। तो ये कम से कम आप लोगों को आना चाहिए कि कौन से रीन्यूएबल हैं, कौन से नॉन रीन्यूएबल हैं। सेकंड है द एम्फीबियन प्रेजेंट इन पाकिस्तान दिस स्पीशी मोर देन, किसी का भी यहाँ पर पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में बर्ड्स की कितनी स्पीशी हैं, एम्फीबियन की कितनी है, मैमल्स की कितनी है, फिशेज की कितनी है, रेप्टाइल्स की कितनी है। तो यहाँ पर जो है 21 के करीब है, तो यहाँ पे मोर देन पूछा हुआ है तो हम 20 यानी बी ऑप्शन इसका ठीक है। The species that recently extinct from Pakistan is, यानी extinct species जो है वो भी पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन सी है। जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन में है इंडियन वाइल्ड एस है, स्नो लेपर्ड है, ब्लैक फिनलेस पॉडपाइज है, ऑल ऑफ दिस। ये स्नो लेपर्ड और ब्लैक जो फिनलेस पॉडपाइज है ये हम कह सकते हैं इंडेंजर्ड स्पीशी है, और इंडियन वाइल्ड एस जो है ये कौन सी है, ये एक्सटिंक्ट स्पीशी है। तो यहाँ पर कुछ भी थ्रेटन्ड स्पीशी के हवाले से, एंडेंजर्ड स्पीशी के हवाले से, एक्सटिंक्ट स्पीशी के हवाले से किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन। मैंने पहले ही बात की थी कि वाइल्ड लाइफ में सिर्फ फाना नहीं है, उसमें फ्लोरा भी है। ये जो है देखा जाए तो ये वाइल्ड लाइफ का भी क्वेश्चन है, इकोलॉजी के लिहाज से भी है, और पाकिस्तान का यानी कि ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम हो गया, मैंग्रोव्स हो गए। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे देखे भी गए हैं पहले, ये इस तरह के आते हैं वाइल्ड लाइफ का, अगर PPSC का एग्ज़ाम हो उसमें आ जाते हैं, अगर वैसे जूलॉजी का हो या CSS का हो। तो हम डिटेल से ये यानी हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब मैंग्रोव की अगर बात की जाए तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो पाकिस्तान के
एक तो कोस्टल एरिया जो सिंध और बलूचिस्तान पे जो कोस्टल एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा भी इंडस रिवर जो डेल्टा है, तो ये अगर हम ये तोनसा वाली साइड पे जाएं तो यहाँ से जहाँ से इंडस रिवर निकल रहा है तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारे जो है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो इवन इनके रिवर के मिड में नज़र आएंगे। तो अगर तो यहाँ पे ऑप्शन में आ जाए कोस्टल लाइन ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान और साथ बी में आ जाए इंडस रिवर डेल्टा, तो फिर आप कहेंगे बोथ। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, कोस्टल लाइन ऑफ सिंध एंड बलोचिस्तान, बी में हेमालयन रीजन, सी में गिलगत और डी में आल ऑफ दीस, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है। वैसे अगर आप लोकेशन अगर पूछा जाए तो रिच जो है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो कोस्टल जो साहली इलाका जात है सिंध और बलोचिस्तान के यानी कि वो समंदर के वो जो वो कोस्टल एरिया है उनके उस कोस्टल लाइन के साथ ही जो है रिच जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट है और इंडस डेल्टा रिवर जैसे मैंने बताया था तो वहाँ पर भी क्या है मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ग्रासलैंड का मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कि देसाई में जो है ये है, और ये वाइल्ड लाइफ का क्वेश्चन भी है और इकोलॉजी का भी। नेक्स्ट है जी, ग्रीन टर्टल आर फेसिंग एक्सटिंक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू, यानी कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है प्रॉब्लम इसका, इसका पूरी दुनिया में इसकी एक्सटिंक्शन हो रही है। और रीजन क्या है, लो ग्रोथ रेट है, इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट, सी पे है एक्सटेंसिव कोस्टल डिवेलपमेंट और डी पे ऑल ऑफ दीज, तो इसमें ये सारे ही आएंगे। इसका जो ब्रीडिंग रेट है वो बहुत स्लो है और फिर इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट भी है, यहाँ पर प्रीडेशन भी आ सकती है, तो एक्सटेंसिव कोस्टल डिवेलपमेंट है, तो इसलिए सारे ही इसके जो हैं वो रीज़न है इसके एक्सटिंक्शन की होने की तरफ जा रहे हैं। अगर इन रीजन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो तब भी अच्छा, जो जब फिशिंग फिश जो है मछेरे जो है नेट फेंकते हैं तो उस नेट में भी बहुत सारे टर्टल के बच्चे आ जाते हैं, रिजल्ट जो है वो बेचारे मारे जाते हैं। इसके अलावा ये जब इसके एग है तो ये देता है तो उस टाइम एग को भी बहुत ज़्यादा प्रीडेटर खा लेते हैं, और अगर गलती से उन एग में से बच्चे निकल आए तो सी बर्ड उसको निगल जाते हैं, तो रिजल्ट ये है कि ये पूरी दुनिया में एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम इस पे काबू नहीं पाएंगे तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मेंबर ऑफ गोट फैमिली इन पाकिस्तानीज, तो वाइल्ड गोट, मारखोर, योरियल, तो डी में नन ऑफ दीज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मारखोर की। तो मारखोर जो है ना सिर्फ ये नेशनल मैमल है, ना सिर्फ इंडेंजर्ड स्पीशी है, बल्कि ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट गोट में भी ये आता है। तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैराज सीवियरली लिमिटेड द मूवमेंट एंड हैबिटेट ऑफ, यानी डैम्स और बैराज पाकिस्तान में होने की वजह से किसकी मूवमेंट जो है वो बहुत हमने लिमिट कर दी है, किसको हमने इंडेंजर्ड कर दिया है, इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन को, चाइनीज डॉल्फिन को, ब्लू डॉल्फिन को या ब्लैक फिनलेस पॉर्पाइस को। तो ये चूंकि बैराज की बात हो रही है, डैम्स की बात हो रही है, तो ये तोनसा बैराज जो बना यहाँ पे जो छोटे छोटे डैम्स बने जिसकी वजह से ये बेचारी मूव नहीं कर सकती, एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्ट हो गई इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन, तो ये इसमें शदीद जो है हम क्या कह रहे हैं इनकी तादाद कम हो रही है और ये एंडेंजर्ड स्पीशी है। क्वेश्चन नंबर फोर, नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तानीज, ए पे देवदार, बी पे हेमालयन कैडर, सी पे कैडरस देवदारा, डी पे आल ऑफ दीस। तो जल्दबाजी नहीं करनी कि देवदार है लिखा हुआ तो जल्दी से हम ए पे लगा दें, देवदार को ही जो पाकिस्तान का है उसको हेमालयन कैडर बोलते हैं, उसी का साइंटिफिक नेम जो है वो कैडरस देवदारा है, तो ये आल ऑफ दीज आएंगी इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखिएगा, वाइल्ड लाइफ से आते हैं, जू ज्योग्राफी से और इकोलॉजी, इसीलिए मैंने ये लेक्चर जो है ये मैंने इकट्ठे रखे थे, जू ज्योग्राफी और वाइल्ड लाइफ का ये मैं इकट्ठा ही मैं चला रही हूँ। तो एक अब दे दिया है, एक जो आपका नेक्स्ट होगा उसके बाद फौरन जो है हम इकोलॉजी की तरफ आएंगे जिसके दो या तीन लेक्चर बनेंगे। तो अगला हमारा जो है नेक्स्ट ये इसी का ही जो लेक्चर है जो पार्ट टू है वो प्रोटेक्टेड एरिया होगा, प्रोटेक्टेड एरियाज में हम नेशनल पार्क्स को पढ़ेंगे और फिर हम वाइल्ड लाइफ की तरफ आएंगे वर्ल्ड की, तो उसमें हम पूरी डिटेल से नहीं करेंगे, जस्ट उसके जू जियोग्राफिकल जो रीजन है उन रीजन को ही पढ़ेंगे और साथ साथ उनकी वाइल्ड लाइफ को देखते जाएंगे। इंशाल्लाह ये आपका नेक्स्ट जो है वो लेक्चर होगा, तो हमारे साथ रहिएगा, आपका टाइम बहुत कम रह गया है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लेक्चर ये जो है वो लें, क्वेश्चन जो है जो जो भी जैसे आप जो बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि
मैम ये लेक्चर भी होना चाहिए, सर ये लेक्चर भी होना चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि जितने लेक्चर इस कम टाइम में मैं दे सकती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। बी कनेक्टेड, बी सेव, अल्लाह हाफिज़।